तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं अनूप जी के साथ पावर बीआई के बारे में। हमने इससे पहली क्लास में हमने बात की थी कि पावर बीआई कैसे यूज होता है, किस तरह से इसकी रिपोर्ट बनती है, किस तरह की डैशबोर्ड बनती है, क्या बेनिफिट्स है इसके, ऑनलाइन और डेस्कटॉप टर्म कैसे हैं, डाउनलोड कैसे करेंगे, बाकी सब चीज़ों पर हमने डिस्कस की थी। अब पावर बीआई आपने जब जबकि डाउनलोड कर लिया है, जब इसको इंस्टॉल करके जब आप इसको ओपन करेंगे तो पहला विंडो कुछ इस तरह का आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपको यहां पे साइन इन के लिए बोलेगा, क्योंकि पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट की पावर बीआई की जो आईडी है अगर आपने बना रखी है तो फिर आपको साइन अप के लिए नहीं बोलेगा, बट जब होगा तो साइन अप के लिए बोलेगा, राइट सर? ठीक है। अब यहां पे जो है पावर बीआई की आपके सामने आईडी खुली हुई है, तो इसमें पहले जान लीजिए कि यहां पे कुछ ट्यूटोरियल्स है, दिख रहा है आपको मैं पावर बीआई कैसे इस्तेमाल करने माइक्रोसॉफ्ट दी गई द्वारा दी गई ट्यूटोरियल से, और वी ऑल पे करेंगे तो पूरी वीडियो सीरीज आपको मिल जाएगी पावर बीआई की तरफ से। उसके अलावा ये ब्लॉग्स हैं कि पावर बीआई में नया क्या आया है, कुछ पूछना है तो फॉरम में जाकर पूछ सकते हैं, पावर बीआई ब्लॉग है, इसमें पावर बीआई ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं, और इसके ट्यूटोरियल्स हैं, एडिटोरियल्स यूज कर सकते हैं, आपको सैंपल है तो सैंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है सर? लेकिन आपको यहां से इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करने के बाद दूसरा विंडो आपको यहाँ ये दिखेगा। अब इसमें देखिए तीन चीजें हैं इसमें, यहाँ पे ये आपका फील्ड का है, फील्ड जैसे अभी डेटा भी हमने इसमें अंदर डेटा नहीं डाला, जैसे डेटा डालेंगे डेटा के अंदर जैसे फील्ड होते हैं, जैसे पिवट टेबल में हम लोग यूज करते हैं ना, पिवट टेबल के अंदर जो फील्ड होते हैं वो फील्ड उसी तरह से यहाँ पे सारे के सारे फील्ड आ जाएंगे। ये आपका विजुलाइजेशन है कि कौन सा चार्ट बनना है, यहाँ से आपको पिक करना है, और उसके ऊपर किसी तरह का फिल्टर अप्लाई करना है, तो ये फिल्टर का सेक्शन आपका ये रहता रहता है, ठीक है? अच्छा। उसके बाद ये जो है उसको बोलते हैं कैनवस एरिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सर, जैसे ही कोई डेटा ऐड कर देंगे ये डेटा ब्लैंक हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ना, क्योंकि डेटा हमने कोई डेटा यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया तो ये आपका ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद जैसे एक्सेल में शीट्स होते हैं ऐसे यहाँ पे पेजेज हैं, जितने डैशबोर्ड बनाना है उतने पेजेज यहाँ बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ दिख रहा है एक्सेल, तो हम एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक्सेल हमारा जनरली होता है, एक्सेल से यहाँ पे हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं, सिलेक्ट किया ओपन। जैसे करेंगे यहां पे आपको दिखाएगा, अभी आ रहा होगा सीट लिस्ट, क्योंकि प्योर यहां पे क्या है जो जो सीट आपको पूरी की पूरी फाइल लिंक नहीं होती है, शीट्स लिंक होती है, तो अब ऐसा नहीं कि इसमें आप एक ही सीट लिंक कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, बट यहां आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से शीट्स को लिंक करना है। जैसे मुझे आइडिया नहीं है कितने डेटा है, तो मैं क्लिक करके यहाँ डेटा प्रीव्यू में डेटा भी देख सकते हैं, यहाँ प्रीव्यू में देखिए डेटा आ गया, ओके प्रीव्यू के अंदर डेटा आ गया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शीट्स को भी देख सकते हैं आप, मुझे इसी को करना है तो मैंने इसको चेकबॉक्स पे क्लिक कर दिया एंड लोड पे क्लिक कर दिया, ओके okay? अब यहां देखिए हट गया, दो चीजें थी,
राइट सर। अब जो है यहां पे देखिए तीन व्यू है। पहला व्यू है आपका रिपोर्ट व्यू है जो सामने दिख रहा है, जो रिव्यू रिपोर्ट बनेगी या नहीं बनी है तो ब्लैंक आपको दिखेगी। उसके बाद दूसरा आता है आपका डेटा व्यू, यहां पे जो आपके डेटा इंपोर्ट हुए है ना वो एक्सेल शीट की तरह यहां पे विजुअल होंगे। थोड़ा सा करता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहां पे आपके डेटा व्यू करेगा। हाँ, इस डेटा में कुछ भी एडिशन वगैरह करना है, कोई कॉलम वगैरह ऐड करना है, कैलकुलेट करना है, तो ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद यहां आता है आपका रिलेशनशिप। जैसे आप एक से ज्यादा टेबल ऐड करेंगे तो दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि इसका इस आईडी से उस डेटा में से कुछ निकाल लें, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे देखना, रिपोर्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। तीन व्यू इसके अंदर है। अब जैसे कि यहां विजुलाइजेशन, तो सबसे पहले मैं यहां से टेबल लेता हूं टेबल फॉर्मेट में, क्योंकि पिवट टेबल से मिलता जुलता है इसलिए टेबल फॉर्मेट में हमने लिया है इसको। टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब मुझे इसके अंदर अपना डेटा रखना है, तो कैसे रखें? तो मुझे पिवट टेबल में जैसे हम लोग रखते थे सेम उसी तरह से, जैसे मुझे रखना है मान लीजिए मंथ वाइज क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो मैंने नेम को उठाया और इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, तो यहां पे लिस्ट ऑफ द नेम आ गया। फिर उसी तरह से मैं क्वांटिटी को लेके इसके अंदर छोड़ देना है, यहां पे यहां आ गया क्वांटिटी का सम। जैसे जैसे आप रखेंगे ऐसे से आप वैल्यू फील्ड में आपको दिख रहा है ना ऐड होते जाएगा, पिवट टेबल में ऐड होता था। और जैसे पिवट टेबल में हम अपनी कैलकुलेशन चेंज कर सकते थे, ऐसे यहां भी कैलकुलेशन चेंज की जा सकती है। जैसे कि मैं यहां पे कुछ और डालना चाहता हूं तो आराम से इसके अंदर डाल सकता हूं। जैसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए मुझे तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे पिवट टेबल मैट्रिक्स फॉर्मेट में होता है ना सर, तो अभी चेंज मतलब कि इसको टेबल फॉर्मेट में था, मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कर दिया। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि मैं कॉलम के अंदर में रख दिया मान लीजिए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट बन जाएगी इस तरह से मैट्रिक्स। लेकिन अगर टेबल फील्ड में होती तो इस तरह से एक के नीचे आता, ठीक है सर, प्रोडक्ट साइड में आता, ये मैट्रिक्स फील्ड में। तो यहां से अपनी फील्ड चूज कर सकते हो, क्लियर है। मान लीजिए मुझे चार्ट चाहिए, मैं मान लीजिए कि मैं प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी बार चार्ट में देखना चाहता हूं, तो आपको यहां बार चार्ट पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते यहां पे बार चार्ट का जगह बन के आ जाएगा। अब मुझे इस पे अपने प्रोडक्ट को रखना है, अपनी क्वांटिटी को रखना है। रख दिया सर, बन गया। ओके, ये सर। अब इसकी कलर वगैरह चेंज करना है, मैं चाहता हूं कि नहीं ये जो कलर है कुछ और हो, डिजाइन कुछ और हो, तो इसके लिए यहां फॉर्मेट का टैब होता है। फॉर्मेट में अपने हिसाब से जो भी कलर करना चाहे कर सकते हैं। जैसे डेटा कलर करना है मुझे, मान लीजिए मुझे ये चाहिए, क्या बोलते हैं, बैगनी कलर चाहिए या मुझे येलो चाहिए, तो इस तरह के कलर यहाँ से चूज की जा सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे डेटा लेवल ऐड करना है या ऑफ करना है, यहाँ पे डेटा लेवल ऑटो यूनिट्स करना है या एडिशन करना है, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद जो चार्ट बना लेंगे तो इसको जैसे इसको मूव भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहां रखना रख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे पिक्चर को रिसाइज करते हैं ऐसे इसको रिसाइज कर सकते हैं, और एक से ज्यादा ग्राफ इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे दूसरा चाहिए, तो मान लीजिए मुझे वाटरफॉल चार्ट चाहिए, तो इसको क्लिक किया और यहाँ हमने वाटरफॉल चार्ट के लिए मान लीजिए मुझे मंथ वाइज क्वांटिटी रख दिया हमने, क्या किया सर। ओके, तीसरे से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अभी क्या करें अनूप जी,
आगे बढ़ने से पहले अवेयरनेस, देखिए किसी भी चीज को सीखने के लिए अवेयरनेस होता है। आपने गाड़ी भी सीखा, सबसे पहले गाड़ी के बारे में जाना, तभी तो चलाना सीखा ना सर। ऐसा तो नहीं है कि आप लाइफ में फर्स्ट टाइम गाड़ी देखा और चाबी लगा के मार दिया कि क्या। नहीं। तो अवेयरनेस सबसे बड़ी बड़ी चीज होती है। तो अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन कर दिया आपको कि डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं और किस तरीके से हम चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, एक एक से ज्यादा चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ये जस्ट ओवरव्यू में, आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया है, मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है। ठीक है, तो आप ठीक है। चार्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स को रखें और फील्ड को रखें पिवट टेबल की तरह बिल्कुल, और जस्ट ट्राई करें। ठीक है ना, फिर ठीक है जो है हम आपकी जो है विजुलाइजेशन पार्ट को हम शुरू करेंगे। ठीक है, उसके ठीक बाद डेटा कनेक्टिविटी देन हम। तो शुरुआत में अवेयरनेस बढ़ाइए।